27 तरीक अस जुड़े हुए लदियाल जिसलै असें इत्थूं राजधानी से गुजरसा दा राजधानी ने जिनसे अगर 47 पाकिस्तान बनिया तो असें तकरीबन उसके बाद असें पता चलना चलना सी असें बनिया की के पाकिस्तान उम्मीद करना साठ सौ मेरा दीवा इस टाइम राजधानी गाला बाजार थे मैं सारा नजीर कश्मीरी साहब सन था उन्होंने मैं पूछा जो कुदरा इतना गठे हुए उन्हें आया कि सरदार रहमान साहब बच्चे नजीर कश्मीरी साहब माशाल्लाह एक जाने पहचाने शख्सियत है उन्होंने भी अगर गुफ्तगु कर सा बाकी मैं गुजारिश कर सलाह बासू से माई वीडियो की लेनी है सरदार रहमान साहब इतना आया इतना कोई मीटिंग हुई है नजीर कश्मीरी साहब के 27 तारीख डडियाल की जलसा आया तो बाकी मैं दोस्तों यार गुजारिश करना राजधानी के डडियाल जिलो तो इस जलसे की कमयाब किया जाए बाकी मैं भैन भरा गुजारिश करना कि लास्ट से सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स की बात माई वीडियो की लेनी है काफ़ी तरीके से वीडियो नहीं भाई कोई दोस्त संगलेंडू फोन करना सके वीडियो बा तो जी स्कूल आई वीडियो बाई उसमें बंदे त्रास दस के वीडियो स्कूल चढ़ी गया सी तो वीडियो ना बनाया इस वजह तुम्हारा दिल जिस कहना कहना सके ना वीडियो बा तो मैं काफ़ी दोस्तों फोन करना मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना जे मे तकने मेरी सपोर्ट करने तो बाकी मैंने जल्दी नजीर कश्मीर साहब ने गपशप लाई जाए और इस मुतलका क्या होना बस ये सारे की ये प्रणाम आगे जुड़े जुड़ो मजबूत तरीके जुड़े जुड़ो 27 तरीक अस जुड़े हुए लदियाल तो जिसलै असं इतना राजधानी से गुजरसा तो राजधानी ने जितने भी नौजवान हैं उन्होंने को अपील है कि आओ तो सड़े ना लदियाल जुड़ो 27 तरीक बाकी कल 27 तरीक उसी इंशाअल्लाह बहुत शुक्रिया जी तुसा पर दस के सारा नजीर कश्मीर साहब नजीर कश्मीर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी सर जी क्या हाल ठीक हो ना जी ठीक ठाक शुक्र लाना तुसा सुनाओ अल्हम्दुलिल्लाह सर जी मेरे सो के सरदार अमान साहब आज कुथु आए रे असा आज दो दिन पहले जाना 22 तारीख जलसा किया मीरपुर जी जी क्रिकेट स्टेडियम विच उत्थे सरदार गए सुन तो फिर दो त्रै दिन उन्होंने मीटिंग सुन मीरपुर एरिया विच कालगढ़ एरिया विच जी जी तो हुण मीटिंग उन्होंने खत्म हुई तो अज उन्हें छने पे इत्थे माड़े कोल इत्थे रही जाणी इंशाल्लाह उन्हें चाह पानी पियासा 10 मिनट बाद साउन ना की अच्छा सर जी सो मैं पूछना चाहना कि जरा बिजली सस्ती आटा सस्ता हो गया इस तरह कोई भैन भ्रावों को पैगाम दे तो जी बिजली सस्ती हुई है आटा सस्ता होया बेशुमार और भी मुतालबात है असाने इंशाल्लाह असा उसमें पूरी कोशिश है कि 27 तारीख के जलसे भी असा डडियाल जलसा है राजा नाजम साहब कराई रे तो असा भी सारे उसने मेजबान आ मेहमान उसने सरदार रहमान साहब बेसन तो उसने जी इंशाल्लाह और भी मुतालबात है असाने मसलन इसने आई गया एयरपोर्ट का मामला आई गया जी जी। और भी बेशुमार असाने मामले जेड़े असाने जाना असा मुतालबात हल कराने की पूरी कोशिश करने पे तो इंशाल्लाह वाह मगर साथ देसी दी इंशाल्लाह असा की अल्लाह ने जात इंशाल्लाह कामयाबी देसी अच्छा इस टाइम सर जी कितने का आवाम सपोर्ट कर रही है आवाम इस वेल तुम पता है इसलिए बच्चे बच्चे ने ना जरा ना हर बच्चा बच्चा जरा ना खुद मुख्तारी ने नारे नाल है तुसा खुद भी असा नाल जाने हो तकरीबन इस वेल असा 60% इंशाल्लाह जी आवाम असा नाल हो चुकी है सोशल मीडिया पर खास तू खास असल हथियार है सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया पर इस पैगाम असाने जितने भी है जितने भी असाने वीडियो या जितने भी तकरीर इन्हें की वायरल करो पूरी दुनिया तक असाना पैगाम पहुंचाओ और पैगाम ही की है असा खुद मुख्तार होसा तो असाने जनाब हर किस्म ने मुतालबात मामलात हर किस्म ने असानी जी ना वह चीजा पूरी हो सन जब तक असा खुद मुख्तार ना हो सन तो सारी जिंदगी इन्हों को असा मंगने ही रहे सा अच्छा सर जी आज तो 10 साल पहले कश्मीर का झंडा तो मैं तो कुछ मुल्क ही नहीं तक इस टाइम तो हर मुल्क सारा झंडा जो कश्मीर ना बुलंद इस मुतल कहना चाहे तो जी इस अवाम जिन्हों बड़े जाना इतफाक और इतिहाद न लिखती है जो 11 मई की असा मुजफ्फराबाद गए हाँ तो मुजफ्फराबाद जिस वे गए असा अवाम लिखती है तो अवाम अपनी ताकत दसी है हर किस्म ने जितनी भी ताकत होनी है ताकत अवाम ने हाथ में होनी है अवाम जो फैसला चाहनी है उ होना है तो अवाम जो एक होई जानी है उसलै कुछ है नहीं ताकत नहीं किसा किसा भी इंसान ना जोर नहीं होना कि उसकी कोई जरा ना उसकी जुटलाई सके अच्छा झंडे की जी गल है नदीम भाई झंडा असानी अपनी एक पहचान है असा सारी जिंदगी असा क्या दुए झंडे ने थले रे सा कश्मीर ने झंडा असानी अपनी पहचान है असा कश्मीर ने झंडे ने थले ही कोया तो जदों असा ही कोया तो पूरी दुनिया की पता लगा कि कश्मीर भी दुनिया में कोई रियासत थी है तो कश्मीर रियासत है तो रियासत ने अपना परचम है अपना तिरंगा है तो असा अपने परचम ने अपने तिरंगे ने थले चंगे लगने सोहने लगने तो इंशाल्लाह असा अपने परचम की कदा भी सिर निगू ना होने देंगे इंशाल्लाह असा अपनी जाना देई उड़सा तो इस झंडे के असा जरा बुलंद रखा
अच्छा कह रहे कि डडियाल 27 तारीख जलसा आ। जी हाँ 27 तारीख जलसा आ, तो सारे लोगों के माड़ी पी लिया कि 27 तारीख सरदार रहमान साहब पूरी क्यादत आई रही है, तो ये सारे बंदे उठा छो, इन्हें लोगों की सुनो, इन्हें लोगों की तुसा तको, तो इंशाल्लाह तुसें कदा भी मायूस नहीं करन। तंजीर कश्मीर साहब सान बहुत बहुत शुक्रिया, असा एक अपना कीमती वक्त देता असें। बड़ी जी सर जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी कहला ठीक हो ना? जी अल्लाह शुक्र ठीक ठाक। सर जी सुख, मैं पूछना चाहना कि सरदार रहमान साहब इतना आई रहे हैं, वो कैसे बंदे नो? सर बहुत अच्छे बंदे, असा पुरजोश इस्तकबाल करसा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने लोगों सारी पंजी रुपये जी यूनिट सी उन्हें 3 रुपये कराई। जी जी लिहाजा असा उन्होंने नाल असा उन्होंने नाल असा खुशी असन के पूछने पे। अच्छा आटा जो 1800 से 1000 रुपया 1100 की खुशी है ਅਸਮਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੇ ਸਾ ਨਾਮ ਆਸਮਾ ਦਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ 에어ਪੋਰਟ ਨਾ ਬਦਲਵਾ ਆ, ਇਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਵਾਮ ਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਈ ਸਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ 47 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਕੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਸ਼ਨੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਜੇ ਨੂੰ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਆ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸੀ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹਿਰਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸਾਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛਾ ਛਿੱਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਣ ਜਾ ਸੀ ਇਹ। ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਅਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜੀ ਸੋਨਾ। ਓਕੇ ਸਰ ਜੀ।